अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर के हवाले से जो हम पहली चीज़ देखते हैं वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन में आप किसी भी मैटर की बनावट, उसमें मौजूद एलिमेंट्स और उनकी अमाउंट्स का तायुन करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्योर वाटर, इसका फार्मूला होता है H2O। इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है, और इस हिसाब से इसकी रेशो है 2:1। दूसरी जो चीज़ मैटर के हवाले से स्टडी की जाती है वो है प्रॉपर्टीज़। दो तरह की होती हैं प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आप किसी भी मैटर का कलर, ओडोर, टेक्सचर और डेंसिटी स्टडी करते हैं। कलर के हवाले से देखा जाए तो वाटर कलरलेस होता है, जबकि पेट्रोल का एक ख़ास रंग होता है। ओडोर में आप जितने भी फ्रूट्स हैं उनकी एक प्लेजेंट स्वीट एरोमा होता है, जबकि केरोसिन और डीजल अनप्लेजेंट स्मेल रखते हैं। टेक्सचर में आप किसी भी चीज़ की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, पत्थर एक हार्ड और रफ सरफेस रखता है, जबकि इसके बरक्स टैल्कम पाउडर की स्मूथ और सॉफ्ट सरफेस होती है। डेंसिटी में मैटर को लाइटर और हैवियर के अतबार से देखा जाता है। लाइक टिश्यू पेपर लाइटर में आता है और सोप हैवियर मैटर में आता है। सेकंड होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें आप एक मैटर को दूसरे मैटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं और जो नई चीज़ प्रोड्यूस होती है उसे प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, सब्सटेंस ए इज़ वाटर। व्हेन इट रिएक्ट्स विद द सब्सटेंस बी विच इज़ विनेगर हेयर, अ न्यू थिंग इज़ फॉर्म विच इज़ कॉल्ड सी, अ प्रोडक्ट। This session takes place only when some condition like heat, temperature and pressure is given to the system. So these are the chemical properties. तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं मैटर के हवाले से वो है स्ट्रक्चर। इसके दो लेवल्स होते हैं स्टडी के, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक लेवल में आप किसी भी एटम की अंदरूनी साख्त को देखते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की स्टडी की जाती है। दूसरा जो लेवल है वो है मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल में आप किसी भी मैटर की फेज, फेसेस, एंगल्स और साइड्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आइस क्यूब्स जो सॉलिड फेज में होती हैं और एंगल भी खास होता है इनका, फेसेस भी होती हैं और साइड्स भी होते हैं। इफ़ वी अप्लाई ऑल दिस थिंग टू अ सिंपल वन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H2। गैस की हालत में ही पाया जाता है। इसके फार्मूला को देखकर आप कंपोजिशन के अतबार से बता सकते हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। प्रॉपर्टीज़ के हवाले से देखा जाए तो ये गैस है जो एटमॉस्फेयर में हर वक्त मौजूद है। इसी तरह ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में हर वक्त मौजूद है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाती हैं, लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड किया जाए। स्ट्रक्चर के अतबार से हाइड्रोजन को देखा जाए तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 ही न्यूट्रॉन मौजूद हैं। तो ये है किसी भी मैटर की स्टडी। अब हम देखेंगे कि केमिस्ट्री को हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं। सो एक्चुअली वी आर ऑल केमिस्ट। इवन आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ केमिकल्स। That is the reason when we eat, breathe, walk or just sit down, different type of chemical reactions taking place in our body. आसमान को देखें तो that is blue in color. ये जितने भी colors होते हैं that depends on the chemical makeup of the substances, that what kind of light they reflect. रोज़मर्रा की रूटीन में आप किचन में
बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। लाइक आप जब भी कोई चीज़ कुक करते हैं तो वो रॉ फॉर्म से कुक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक रॉ मीट जब भी आप कुक करते हैं बाय हीटिंग, तो ये एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे बॉडी बआसानी न्यूट्रंस उसमें से हासिल कर सकती है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आप किसी भी फूड को स्टोर करते हैं फ्रिज के अंदर तो वो रॉटन हो जाती है, गल सड़ जाती है, ये भी केमिकल रिएक्शन की बदौलत है। आप कोई केक बेक करते हैं तो उसके अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स केमिकल रिएक्शन के थ्रू बैटर बनाते हैं, और जब आप इसे ओवन में बेक करने के लिए रखते हैं तो अनदर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे सर में दर्द हो जाता है तो हम मेडिसन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जितनी भी मेडिसन्स हैं, पिल्स हैं और सप्लीमेंट्स हैं, ये सब वायरसेस और बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये सब केमिकल रिएक्शन की बदौलत प्रोड्यूस होते हैं। सम 100 years ago पीपल डाइड फ्रॉम हैविंग अ कोल्ड एज बिकॉज ऑफ डिस्कवरी इन द केमिस्ट्री दैट वी हैव चीप मेडिसन्स टू गेट रिड ऑफ द कोल्ड। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करें तो जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, ये एक तो क्रॉप्स की ग्रोथ बढ़ाते हैं, दूसरा पेस्ट को किल करते हैं, ये सब केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को ले लें, हाँ वो एग्रीकल्चर हो, फार्मास्यूटिकल हो, सीमेंट, प्लास्टिक, ग्लास या फूड इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री डिफरेंट मटेरियल्स को प्रिजर्व भी करती है, स्टोर भी करती है और प्रिपेयर भी करती है। ये सब केमिकल रिएक्शंस की ही बदौलत होता है। क्लीनलीनेस की बात की जाए, चाहे वो हाउस होल्ड हो या कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो, सोप्स और डिटर्जेंट्स का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। ये सब सोप्स एंड डिटर्जेंट्स केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिस्ट्री इन्वॉल्वमेंट इन योर डेली लाइफ। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट।